उत्तराखंड, पंजाब और गोवा के नतीजों से पहले ही तोड़फोड़ से बचने के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों की बाड़ाबंदी करने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस प्रत्याशियों की बाड़ाबंदी की जाएगी। दिल्ली में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और भूपेश बघेल ने कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात की थी। इस दौरान 5 राज्यों के चुनावों और आगामी रणनीति को लेकर लंबी मंत्रणा हुई। 2017 में गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान सीटें ज्यादा होने के बावजूद तोड़फोड़ के चलते कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब नहीं सकी थी। ऐसे में कांग्रेस आलाकमान इस बार कोई रणनीतिक चूक नहीं चाहता है। यही वजह है कि आलाकमान ने एक बार फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर भरोसा जताते हुए पंजाब, उत्तराखंड और गोवा के कांग्रेस प्रत्याशियों की बाड़ाबंदी की जिम्मेदारी दी है। राजस्थान में पहले भी महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात के कांग्रेस विधायकों की बाड़ाबंदी की जा चुकी है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता पिंटू सिंह नेरुका फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी पिंटू, देखिए सीएम गहलोत ने आलाकमान से मुलाकात की है, 5 राज्यों की रणनीति को लेकर दिल्ली में मंत्रणा हुई है, क्या कुछ अभी अपडेट मिल पा रही है? आयुषी, देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान से मुलाकात की। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल के साथ एक मीटिंग हुई। उसमें 10 मार्च को आने वाले नतीजों को लेकर, आगामी रोडमैप को लेकर चर्चा हुई कि इस प्रकार की जो रणनीति रहेगी चुनाव परिणाम के बाद में, अगर जिस प्रकार के परिणाम रहते हैं, कई जगह हो सकता है कि क्लियर मेजोरिटी नहीं हो, ऐसी स्थिति में कई बार पिछले कुछ विधानसभा चुनाव में देखने को मिल रहा है कि जोड़ तोड़ की जाती है। ऐसे में तोड़फोड़ से बचने के लिए, क्योंकि चाहे राज्यसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव के दौरान, ऐसी स्थिति पिछले कुछ सालों में देखने को मिली है, उसका खामियाजा कांग्रेस को उठाना पड़ा है जोड़ तोड़ के चलते। ऐसी स्थिति में कांग्रेस विधायकों की तोड़फोड़ नहीं हो, कांग्रेस विधायकों से कोई संपर्क नहीं हो और सभी कांग्रेस जो विधायक वो एकजुट हो, इन तमाम चीजों को लेकर कल दिल्ली में आलाकमान ने अशोक गहलोत पर एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, एक रणनीतिक तौर पर चर्चा करके, क्योंकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार, ऐसे में जो प्रत्याशी है कांग्रेस के उत्तराखंड, गोवा और पंजाब के, उनको दोनों राज्यों में ठहराया जा सकता है, क्योंकि पहले भी जब महाराष्ट्र में जब सियासी उठापटक हुई थी तो कांग्रेस के विधायकों को यहाँ पर रखा गया था, कर्नाटक के विधायकों को यहाँ पर रखा गया था और गुजरात राज्यसभा चुनाव के दौरान भी विधायकों को यहाँ पर रखा गया था बीजेपी की तोड़फोड़ से बचाने के लिए। तो कल जो बैठक हुई उसमें खासतौर पर 10 मार्च को आने वाले चुनाव परिणामों की रणनीति को लेकर, आगामी रोडमैप को लेकर चर्चा हुई और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर यह विश्वास जताया गया कि ऐसी स्थिति में जल्द ही जो उत्तराखंड, गोवा और पंजाब के जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं उनको यहाँ पर राजस्थान में रखा जा सकता है और चुनाव परिणाम में किस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होती है उनके आधार पर फिर फैसला होगा। तब तक तमाम जो प्रत्याशी है उनको एक बाड़ाबंदी के तौर पर रखा जाएगा, उसको लेकर कल बैठक हुई और अब ये माना जा रहा है कि जल्द ही जो 3 राज्यों में से 2 राज्यों के उत्तराखंड और गोवा के जो कांग्रेस प्रत्याशी है उनको राजस्थान में शिफ्ट किया जा सकता है। जी जी, शुक्रिया पिंटू तमाम जानकारी साझा करने के लिए।